आकाशवाणी केंद्र भोपाल में राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा के समापन और पुरस्कार समारोह का संयुक्त आयोजन भव्य रूप में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भोपाल पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की अपर महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा शंकर सिंह ने विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन की संयुक्त निदेशक पूजा पीवर्धन और आकाशवाणी प्रमुख यशवंत चिवड़े ने विशेष उपस्थिति दर्ज की। इस मौके पर आकाशवाणी भोपाल केंद्र स्थित बगीचे में पौधारोपण करने के पश्चात सभागार पहुंची आईपीएस अनुराधा शंकर ने यहां उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हिंदी राजभाषा की सांस्कृतिक भाव संस्कृति और मधुरता के संदर्भ में वक्तव्य साझा किया। इस दौरान हिंदी राजभाषा मास पर उत्कृष्ट आलेखन प्रस्तुति और जीएसटी के लिए लेखा और पत्राचार विभाग के कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कारों से सम्मानित किया। और हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम हिंदी की सेवा करें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं पूरे दुनिया में, ये भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में विभाजनकारी शक्तियाँ बहुत ताकतवर हैं, अनेक प्रकार के विभेद पैदा किए जा रहे हैं। यहाँ हम सभी लोग हमें एक दूसरे से ये सवाल पूछना चाहिए कि हम जुड़ाव चाहते हैं कि अलगाव चाहते हैं। आप स्वयं से पूछिए, आप अपने परिवार से जुड़ाव चाहते हैं या अलगाव चाहते हैं? आप अपने समाज में जुड़ाव चाहते हैं या अलगाव चाहते हैं? आप अपने देश में जुड़ाव चाहते हैं या अलगाव चाहते हैं? इस इतनी सुंदर धरती पर आप जुड़ाव चाहते हैं या अलगाव चाहते हैं? हम सब लोग जुड़ाव चाहते हैं, हम सब लोग जुड़ना चाहते हैं। जुड़ने में राहत है, अलग होने में झंझट है। राहत किसको नहीं चाहिए? कोई ऐसा है यहाँ जो परेशान रहना चाहता है? कोई परेशान नहीं रहना चाहता। तो हिंदी वो सूत्र है जो जोड़ती है, क्योंकि हिंदी के पास संस्कृत भी है, फारसी भी है, तमिल भी है, मराठी भी है, अंग्रेजी भी है, सब कुछ है, क्योंकि उसने सबको एक साथ ले लिया। उसने कहा चलो आओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, सब मिलकर मुझे पूरा भरा पूरा बनाओ। तो वो एक तरीके से हमारे देश की के को प्रतिबिंबित करती है। जैसा मैंने आपसे कहा, हम उसका साथ न छोड़े। हिंदी तो काफ़ी इसका यानी स्प्रेड हुआ है, काफ़ी यानी तेजी से इसकी प्रगति हो रही है, और हमारे कार्यालय में भी इसका काफ़ी यानी उपयोग किया जाता है। जब मैं बताना चाहूँगा कि करीबन 60% हमारा स्टाफ केरला आंध्र प्रदेश से है, लेकिन वो लोग हिंदी में अपनी टिप्पणियाँ इतनी सुचारू रूप से कर पाते हैं, सभी लोग हिंदी में बातें करते हैं और अपने विचार प्रकट कर पाते हैं।